उपाधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय जहां पर है वहां खेती की गिनती इत्यादि प्रकरणों का निपटारा करता है, पर यहां का कार्यालय इस कामों में विलंब के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यहां आने वाले अभिभावकों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आइए डालते एक नजर। जिसमें आती तत्काल की गिनती, तत्काल गिनती, साधारण गिनती के प्रकरण दिनों दिन प्रलंबित रखे जाते हैं, जिस समय पर काम न होने से अनेकों अभिभावकों को नुकसान होता है। पर यहाँ कार्यालय एक ही रट लगाए बैठा है कि कर्मचारियों की कमी से कामों को विलंब हो रहा है। जहाँ नियमानुसार अति तत्काल गिनती के लिए 3 से 4 गुना रकम फीस तौर प्रशासन को देना पड़ता है, पर इतना होने के बावजूद भी नियमानुसार तत्काल गिनती के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, फिर भी महीना, 2 महीना या उससे भी ज्यादा समय प्रकरण निपटारे के लिए किया जाता है। साधारण गिनती, तत्काल गिनती की समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद भी यहाँ का कार्यालय निर्धारित समय पर गिनती करने में असमर्थता दिखाई देती है, जिससे अभिभावकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, सिवाय दूसरा रास्ता नहीं रहता है। ऐसी कई शिकायतें रोजाना कार्यालय परिसर में अभिभावकों के जरिए बताई जा रही है। जहां किसी कार्यालय में क्षेत्र बुक, प्रतिबुक, क्षेत्र पुस्तक, गट नकाशा, इन कामों में विलंब लगाया जाता है। उपाधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय पारशिवनी खेती गिनती को अनेक प्रकरण प्रलंबित रखने का काम अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस बारे में अखिल भारतीय ग्राहक संगठन पारशिवनी के पदाधिकारी को शिकायत मिलने के बाद अखिल भारतीय ग्राहक संगठन की ओर से निवेदन स्वरूप गुरुवार को पदाधिकारियों ने निवेदन देकर शिकायत दर्ज की, जहां की आने वाले दिनों में प्रलंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटारे की मांग की गई है। निवेदन में पदाधिकारियों ने इसी निवेदन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ अखिल भारतीय ग्राहक संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दर्ज करेंगे। ग्राहक पंचायत में इसकी शिकायत की जाएगी। इस तरह का निवेदन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के अध्यक्ष नरेश उराड़े, मनोहर ढोले, रघुनाथ पुंडे, नरेंद्र नाकाड़े, विजय भरने व उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है। प्रशासनाच्या विरोधामध्ये आम्हाला त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्या तक्रार करावी लागेल, किंवा मग आम्हाला आम्ही रस्त्यावर उतरू, आंदोलन करू, आणि चुकीचे काम करणारा आम्ही कधीही पाठराखण करणार नाही। त्यांची आम्ही वरपर्यंत तक्रार करू, शासनापर्यंत तक्रार करू, आणि शासन आणि प्रशासन मिळून त्यांची ताबडतोब इथून जे काम करणार आहे, कामचुकार कर्मचारी आहे, त्यांना इथून तात्काळ आम्ही बदलीसाठी आम्ही इथे ठाण मांडू। बीसीएन न्यूज के लिए पारशिवनी से संवाददाता की रिपोर्ट।